हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो यूपीपीसीएल टीजी2 2020 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स से कितने कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस चैप्टर्स से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसको आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इस बार कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो इस सब को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है क्योंकि ये आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए दोनों के लिए ही काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कितने मार्क्स लेकर के आए कि आपका इस बार आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए और आप एकदम संतुष्ट रहें कि इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं तो इस बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पिछली भर्ती में, ठीक है, 2019 की भर्ती की सबसे पहले बात कर लें तो आपको पता है कि 2019 में कितनी वैकेंसीज आई थी आपकी, 2779 आई थी, ठीक है, 2779 वैकेंसीज के लिए जो आपकी कट ऑफ गई थी, जो आपकी कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी आपको पता है कि यूआर के लिए जनरल कैटेगरी कितनी गई थी आपकी 128, ओबीसी के लिए कितनी गई थी आपकी 105, एससी कैटेगरी के लिए कितनी गई थी आपकी 67, एसटी के लिए कितनी गई थी आपकी 72 और एक्स सर्विसमैन की आपकी कितनी गई थी 105, ठीक है। तो ये आपकी थी पिछले साल की कट ऑफ, यानी जो 2018 वैकेंसी आई थी जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था उसकी कट ऑफ आपकी ये थी। और आपको पता है कि पिछली बार जो पेपर आया था वो डिफरेंट था और हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको ये भी बताया था कि किस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए। काफ़ी बच्चे जो पिछले साल एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि जो प्रेडिक्ट किया गया था वो सेम टू सेम वैसे ही पेपर आपको बनाया गया था। और आपको ये भी पता होगा कि जब 24 तारीख को बच्चे पेपर दे के आए थे तब भी हम लोगों ने यही बताया था कि अब अगर 24 तारीख वाला पेपर आपका बहुत आसान आ गया है तो 25 तारीख वाले में आपको मतलब क्लियर है कि आपको टफ पेपर देखने को मिलेगा। और आपको ये भी बताया था कि 25 तारीख वाले में किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आए तो उनको ये भी पता चला कि हाँ, जो जो टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम में बताए गए थे वही वही टॉपिक्स आपको 25 तारीख में देखने को मिले। तो याद रखिए कि यहाँ पर आपको जो कुछ भी आपको सलाह दी जाती है, जो कुछ भी आपको बताया जाता है कि आपको ये पढ़ना चाहिए ये नहीं पढ़ना चाहिए या फिर ये टॉपिक्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से देखना है या ये चीज़ आपकी गेम चेंजर साबित हो सकती है तो उसको आपको सही में आपको अच्छे से पढ़ना है और उसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर यहाँ पे बताए हुए आपकी बात अगर एग्ज़ाम में सेम टू सेम आपकी साबित हो गई तो फिर बाद में आपको पछताने के अलावा कोई भी सिला नहीं रहेगा। तो चलिए अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो टेक्निकल में आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि जो आपका टेक्निकल का सिलेबस है उसमें मेनली आपको क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की, फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, फिर पावर प्लांट है, फिर ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके अलावा स्विच गियर है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है, फिर आपका आता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, फिर आपका आता है वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं, इल्यूमिनेशन है और अर्थिंग है, इसके अलावा वाइंडिंग है, साइक्लो कन्वर्टर है, इलेक्ट्रिकल रूल्स हैं, फैक्ट्री एक्ट है, सेफ्टी रूल्स हैं और हैंड टूल्स हैं। ये कुल मिलाकर के आपका आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का जो भी 150 मार्क्स का आता है उसका आपका पूरा सिलेबस है। तो अब बात करते हैं कि आपको इन टॉपिक्स में से किस किस टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स इस बार ज़्यादा पूछे जा सकते हैं और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको पता है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो आपका पेपर बनता है वो कहाँ से बनता है, इन्हीं चार यूनिट से बनता है, ठीक है। नॉर्मली अगर एक सामान्य पेपर बनेगा, अगर एक आपको नॉर्मल आसान पेपर बनेगा या फिर मीडियम पेपर बनेगा, एवरेज पेपर बनाएगा एग्जामिनर, तो आपको कहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे, आपको इन्हीं चारों टॉपिक से आपके क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, उसके बाद आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, फिर आपका इन दोनों में से पूछा जाता है और फिर बचे कुछ क्वेश्चंस आपके जो आपके बाकी यूनिट्स हैं उससे पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस पे रखना है, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है बेसिक इलेक्ट्रिकल पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है बेसिक इलेक्ट्रिकल पे क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग पूरे पेपर का 30-40% आपका जो होता है पेपर वो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल से पूछा जाता है। 30-40% क्वेश्चंस आपको इसी में से दिखते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में काफ़ी चैप्टर्स आते हैं, आपको पढ़ाया भी गया था, डीसी सर्किट से लेकर के आपका एलसीआर सर्किट तक, ठीक है, थ्री फेज सिस्टम, सब कुछ आपका बेसिक में ही आता है। तो उन सब से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और याद रखिएगा अगर 150 मार्क्स का है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से 40 से
40 से 50 क्वेश्चंस आपको आसानी से यहाँ से बेसिक से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्या है आपका, सबसे ज्यादा आपको ध्यान किस पे देना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पे। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन की, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसे आते हैं। उसके बाद अगर कुछ पूछा जाता है तो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन में भी याद रखिएगा सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ट्रांसफार्मर से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन में भी सबसे ज्यादा जो आपके सवाल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके ट्रांसफार्मर से। और उसके बाद अगर कोई पूछा जाएगा तो आपका डीसी मशीन, और फिर जाकर के आपका सिंगल फेज और थ्री फेज मशीनों के बारे में आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप इलेक्ट्रिकल मशीन अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको कौन से दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक आपको ट्रांसफार्मर पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है डीसी मशीन्स, जिसमें आपका डीसी जनरेटर भी आता है और आपका डीसी मोटर भी आता है। जब आप इतना पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको पढ़ना है थ्री फेज मशीन्स, उसमें आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, और उसके बाद सिंगल फेज मशीन्स में आपको सिंगल फेज मोटर के बारे में पढ़ना है। ये तो हो गया आपका मेन, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस 150 मार्क्स के हिसाब से, वो दोनों आपके मेन आपके सबसे ज्यादा यही है, बेसिक है और मशीन है। अगर फिर से हम कह रहे हैं कि अगर सामान्य पेपर बनेगा तो आपको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको इन्हीं चार यूनिट से देखने को मिलेंगे। फिर आपका आता है पावर प्लांट और आपका आता है ट्रांसमिशन। पावर प्लांट में याद रखिएगा कि जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो, जितना भी आपका सब कुछ है, सबकी आपको क्या पूछता है कि इसमें फ्यूल क्या होता है, इसमें जितने भी आपकी इससे वर्किंग से रिलेटेड या फिर इसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें हैं सब कुछ इसमें पूछी जाती हैं। और थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पावर प्लांट में अगर आपसे पूछेगा तो थर्मल, हाइड्रो सबसे ज़्यादा पूछता है, और इसके काफ़ी कुछ पूछता है कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं या फिर इसमें फ्यूल क्या यूज़ होता है या फिर और भी बाकी चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इन्हीं दोनों पे देना है, और इसके बाद जब ये पढ़ लीजिएगा तब आपको पढ़ना है न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद बाकी आप चाहें तो उसके बाद नॉन रिन्यूएबल जो आपके हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे जियोथर्मल या फिर विंड एनर्जी, ये सब आप बाद में भी देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका ट्रांसमिशन, यानी विद्युत संचरण और वितरण। तो विद्युत संचरण और वितरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको हमने बताया था कि ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपकी ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइंस रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं, लंबाई आपकी कितनी होती है, ठीक है, हाइट क्या रह सकती है इसकी, और उसके अलावा वोल्टेज के बेसिस पर कितने आपके होता है क्लासिफिकेशन, फिर आपका इसमें अंडरग्राउंड केबल्स होता है, केबल्स के बारे में पूछा जाता है। ट्रांसमिशन लाइंस में होने वाले जो इफेक्ट हैं, जैसे स्किन इफेक्ट है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, ठीक है, उसके अलावा कोरोना है, तो ये सब चीजें आपकी इसमें पूछी जाती हैं। यही सब आपको सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको ध्यान किस पे देना है आपका ट्रांसमिशन लाइन पे, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको किस पे ध्यान देना है, केबल्स पे। ये दोनों चीजें आपको सबसे पहले पढ़नी है। ट्रांसमिशन लाइन से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पूरा थ्योरिटिकल आपको देख लेना है। जब आप पूरी इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे, सब कुछ आपको आता रहेगा, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बनेगा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से, आपका कुछ भी कहीं पर भी कुछ गलत होने के चांसेस नहीं है। जब आप ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको पढ़ना है टेस्टिंग, ठीक है। जब आप ये पढ़ लेंगे तब उसके बाद आपको पढ़ना है टेस्टिंग कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट किसमें कैसे क्या किया जाता है। और इसमें भी सेम चीज यही पूछी जाती है कि टेस्टिंग ऑफ मशीन्स, इसमें आपसे पूछा जाता है टेस्टिंग ऑफ केबल्स, ठीक है। तो ये आपने देखा कि चार चीजें अगर नॉर्मल पेपर बना तो याद रखिएगा कि नॉर्मल पेपर में आपका 80 से 85% पेपर जो है, अगर सामान्य पेपर बन रहा है, नॉर्मल एवरेज पेपर बन रहा है, तो 80 से 85% पेपर जो है वो आपका यहीं से आता है। और बाकी के जो आपके पेपर्स होते हैं उसमें आपका बाकी का जो पोर्शन है उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 150 में से 10 से 15 मार्क्स आपका जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का देखने को मिल सकता है, अगर आपका एक नॉर्मल पेपर बन रहा है। अगर नॉर्मल पेपर बन रहा है तो 10 से 12 मार्क्स या 10 से 15 मार्क्स का ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाता है, और बाकी का 8 से 10 मार्क्स में ये सब आपका कवर रहता है, ठीक है। बाकी के 8 से 10 मार्क्स में ही आपका ये बाकी के जो आपके पार्ट हैं वो आपके कवर रहते हैं। ये तो हो गया कि आपको जब एक नॉर्मल पेपर एग्जामिनर देगा, एवरेज पेपर देगा, तो आपको कैसे पूछा जा सकता है। एवरेज में आपको मेनली आपको यही चार टॉपिक्स पूछे जाएंगे जो कि आपके 80 से 85% वेटेज होगा, और बाकी का 10 से 15% में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, जिसमें आपका 10 से 12 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जा सकता है, और उसके अलावा में 8 से 10 मार्क्स में आपके ये सबसे जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिखे उसमें से पूछा जा सकता है। इन सब में जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिए कि ये दोनों टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स से काफी रेयर क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन आपको दिखा था, तो याद रखिएगा एक दो क्वेश्चन के लिए अगर आप इसमें कई घंटे की आप पढ़ाई करेंगे तो ठीक है, आपके पास अगर ज्यादा समय आपको बाकी सब टॉपिक्स आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बाकी सब टॉपिक्स को छोड़ करके अगर आप इस पर आप पढ़ रहे हैं, इस पर ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो इस पर ज्यादा टाइम मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक दो क्वेश्चन
मान लीजिए कि अगर आपका आ भी गया तो उसके अलावा 148 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, तो उस 148 क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका पेपर पैटर्न बदल गया, ठीक, जैसा कि इससे पहले भी हुआ था, आपको बताया था कि 25 तारीख वाले में आपको क्या हुआ था कि हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर 24 तारीख वाला आपका आसान आया है तो 25 तारीख वाला आपका काफी टफ देखने को मिलेगा, वही हुआ, 25 तारीख वाले में भी आपको पेपर पैटर्न बदला। अब यहां पे समझ लीजिए कि अगर इस बार भी आपका ऐसा ही हुआ कि आपका पेपर पैटर्न आपको बदलता हुआ दिखा, तो याद रखिएगा कि ये जो आपके चार टॉपिक्स हैं इससे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे या फिर ना के बराबर मिलेंगे। याद रखिएगा, अगर इस बार भी ऐसा हुआ कि आपका पेपर पैटर्न बदल गया तो यहां पर भी ये जो आपके क्वेश्चंस हैं यहां पर भी आपको ये क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहां से फिर अगर आएगा भी तो आपको कितना आएगा, 20-25% या 20-30% ही आपका यहां से उठाया जाएगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि 30-40 ही क्वेश्चन आपका यहां से उठाया जाएगा, बाकी जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपने देखा था कि यूपीपीसीएल में जब इस बार का जेई का एग्जाम हुआ था, तो आप लोग ने जो आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर आपका कोई अगर जानने वाला होगा जिसने जेई का एग्जाम दिया होगा, तो उसको ये भी उसको पता होगा कि इस बार का जो जेई का आया था उसमें कैसा पेपर आया था। इस बार ना तो बेसिक देखने को मिला था, ना तो मशीन देखने को मिला था, ना ही आपका पावर सिस्टम के ज्यादा आए थे। इस बार जो आपके क्वेश्चंस आए थे वो आपके यहां से लेकर के यहां तक के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इसी में से ही आपके पूछे गए थे। तो इस बार मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर पेपर आपको देखने को मिला चेंज हुआ हुआ, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहां से देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक काफी अच्छा टॉपिक है क्वेश्चन बनाने के लिए और काफी कठिन टॉपिक है बच्चों को नंबर गेन करने के लिए। तो अगर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिला तो याद रखिएगा कि 30-40% क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका पेपर चेंज हुआ तो 30-40% आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो यहां से आएंगे। ये जो आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 8, जिसमें आपसे वायरिंग से भी पूछा जा सकता है, सिंबल भी आपका पूछा जा सकता है, इल्यूमिनेशन यानी रोशनी वाला जो है प्रकाश वाला वहां से पूछा जाएगा, और अर्थिंग से भी जेई में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग में भी पूरी चांसेस है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल सकते हैं। पेपर चेंज होगा तो याद रखिएगा 30-40% यहां से आ सकता है और 20-30% खाली इस यूनिट से आ सकता है। ये प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं कि अगर आपका पेपर इस बार चेंज हुआ तो यहां से आपको क्या दिखना है, यहां से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर है वो आपका यहां से आएगा 30-40%, और जो आपका वायरिंग है वो 20-25% आ सकता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग मटेरियल्स काफी इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल से ही काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 क्वेश्चन मान लीजिए कि अगर आप यहां से आपके पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कितने परसेंट मिला करके किस मटेरियल बनता है, या फिर आप कह सकते हैं कि किस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ये सब आपको यहां से पूछा जा सकता है। किसी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, किसी कम होती है, यहां से पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये चीज जो ये लिखी है, ये जो लिखा है ना यहाँ पे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ के जाते हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है ये आजकल काफी ज्यादा प्रैक्टिस में आ रहा है, काफी ज्यादा आपका चलन में है और काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको इस टॉपिक को भी देखना है, क्योंकि यहां से अगर आपके 5-10 क्वेश्चन बन गए तो आपके पूरे पूरे लॉस है, क्योंकि यहां पर आप तुक्का मार नहीं सकते। अगर आपने तुक्का मार दिया तो आपका आंसर 100% गलत होगा, क्योंकि यहां पे आपका ऐसा पूछा जाता है कि मान लीजिए आपकी टावर है 33 kV की टावर की, जो सबसे जो आपका निचला आपका कंडक्टर है उसकी ग्राउंड साइड कितनी होती है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप यहां तुक्का मारेंगे तो आपका तुक्के में गलत होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। इसीलिए यहां पे जितने भी नियम है जो भी आपका है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसके अलावा आपका हैंड टूल्स है और फैक्ट्री एक्ट है, ये सब भी पूछा जा सकता है। तो आपने देखा कि अगर नॉर्मल पेपर आएगा तो कैसा आ सकता है, और अगर आपका पेपर पैटर्न बदल गया तो कैसा हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन में आपने अपने आप को तैयार कर लिया तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया, आप सेलेक्ट होंगे, जरूर होंगे, आपकी सफलता 100% आपकी होगी। बस ये है कि आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, 100% आपको एफर्ट देना है, और जब आप 100% एफर्ट के साथ पूरा आप यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा कि आपका कहीं पर भी चांसेस ऐसा नहीं है कि आपका ना हो पाए, ठीक है। अब उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना ये है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आप पढ़ना है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपको सिस्टमैटिक तरीके के नोट्स चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल वर्जन आपको प्रोवाइड कर रहा है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं सब कुछ डिटेल में अच्छे से लिखा गया है, आप देख सकते हैं ये आपका मटेरियल है, इसको आप अपने एड्रेस से मंगवाइए, और जितने भी आपके मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक जितना भी आपका है वो सब डिटेल में लिखा गया है। क्योंकि इस बार हमें लग रहा है कि अगर इस बार का पेपर पैटर्न बदला तो जितने भी क्वेश्चन है वो यहीं से बनेंगे,
5 नंबर से लेकर के 10 नंबर के बीच में आपके ज्यादा क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट दी गई है, यूनिट नंबर 5, और उसमें खाली यही सब लिखा गया है कि जहां से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वही चीजें आपको यहाँ लिखी गई है। तो जरूरी है कि आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए, और प्रिपेयर रहने के लिए क्या करना है, आपको ये मटेरियल मंगवाना है, अपने एड्रेस पे स्पीड पोस्ट से मंगवाइए, डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन पढ़िए, सब कुछ आपका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और टेक्निकल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको वीडियो कोर्स लेना है, ठीक है। वीडियो कोर्स में आपको चाहे 112 टेक्निकल की वीडियोस हैं, और वहां पर आपका पूरा सिलेबस आपका कवर किया गया है। वीडियो कोर्स लीजिए और उसके अलावा मटेरियल लीजिए, आपका टेक्निकल का पोर्शन कहीं नहीं गया, टेक्निकल में आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। सिलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, सिलेक्शन के लिए आपको टेक्निकल में, मैं फिर से कह रहा हूँ, टेक्निकल में कम से कम आपको 100 से 120 नंबर आपको लाने हैं। अगर आपको अपने आप को सेलेक्ट होते हुए देखना है तो आपको टेक्निकल में कम से कम आपको 100 से 120 नंबर लाने हैं। अगर आप 100 से 120 नंबर लेके आते हैं तभी आपका कुछ चांस है टेक्निकल पोर्शन में, तभी आपको कुछ चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर बात करें कि इस बार का कि सेफ स्कोर कितना है, तो आप कह सकते हैं कि पिछली बार की आप वैकेंसी देख रहे हैं, पिछली बार की ज्यादा सीटें थी, तो पिछली बार आपकी यूआर की 128 चली गई थी, तो अगर इस बार सीट्स के मुकाबले में काफी कम है, तो आप कह सकते हैं कि पिछली बार और इस बार के कंपैरिजन में अगर आपका स्कोर 135 के आसपास में है, ठीक है, अगर आपका स्कोर 135 के आसपास में है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आपका 135 या उससे ज्यादा आप स्कोर करेंगे, तो इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से ज्यादातर लोग सेलेक्ट होंगे। और याद रखिएगा कि 135 स्कोर करने के लिए क्या करना है, आपको टेक्निकल में क्या है, आपको 100 से 120 तक आपको कम से कम एटलीस्ट स्कोर करना होगा। और ये स्कोर करने के लिए क्या करना है, आपको ये सब टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने होंगे, ये सब टॉपिक्स अच्छे के जो भी आपको पढ़ेंगे उसके लिए क्या करना है, आपको ये मटेरियल मंगवाना है, मटेरियल मंगवाइए। बाकी अपना वीडियो कोर्स है, वीडियो कोर्स लीजिए, फुल 112 वीडियोस हैं, 112 वीडियोस आपको एक बार में आपको मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको जो भी समय बचा है, 1 से 1.5 महीना, लगभग डेढ़ महीना बचा है, 1.5 महीने में आपको कहीं पर भी आपको लाइव क्लास से आपका सिलेबस पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए लाइव क्लास नहीं चलाई जा रही है, इसीलिए आपको वीडियो कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि समय आपका बचे और ज्यादा तैयारी आपकी हो सके, ना कि लाइव क्लास में आपको आपका डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा सके, ठीक है। और बाकी बात रही कि अगर आप इस समय कहीं पर भी कोचिंग सेंटर्स अगर जाते, मान लिया अगर लॉकडाउन ना रहता या फिर हालात सही होते, तो आप कितनी फीस देते ना वहाँ पे 8,000, 10,000, 6,000 कुछ तो फीस देते। यहाँ पर अगर आपको घर बैठे ही इतनी अच्छी तैयारी कराई जा रही है, पूरी कोचिंग वाली तैयारी अगर आपको घर बैठे कराई जा रही है, 112 वीडियोस में आपको पूरा टेक्निकल का पोर्शन अच्छा कराया जा रहा है, उसके लिए अगर छोटी सी फीस ली जा रही है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब आप सोच लीजिए, फैसला कर लीजिए, अगर आपको तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, और इस बार वैकेंसी जो आई उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पढ़ाई बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपको अपने ऊपर होना चाहिए कि आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी। अगर आपने पढ़ा है तो आपको भी भरोसा होगा कि आपको आ गया है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। और पढ़ने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, और बाकी या फिर आप डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी सब डिटेल्स लिखी हुई है, पे करके स्क्रीनशॉट भेजिए और अपना एड्रेस पे मटेरियल मंगवाइए, और वीडियो कोर्स अपने जो आपका व्हाट्सएप है उस पर मिल जाएगा, और पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि समय कम है, और जब समय कम है तो आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपको इलेक्ट्रिकल विजन के पास आना है, ठीक है। तब तक के लिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक करिए, सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।